दोस्तों वेलकम है थोड़ा सारा ना एक बार तो थोड़े अपने यूट्यूब चैनल वेब टेक हट च। ते मेरा नाम अमरदीप सिंह है ते मैं थोनू सिखा रहा PHP। ते PHP दे इस वीडियो विच आपां गल करांगे फॉर ईच लूप दी। पिछली वीडियो च आपां फॉर लूप वाइल लूप सब कुछ आपां समझा रखे है। ते जे किसी ने नहीं ये पिछलियां वीडियोज़ देखनिया PHP दियां तो शुरू तो अपनी प्लेलिस्ट जिहड़ी है देख ले, ठीक है। तां लिंक जिहड़ा हैगा वो डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू मिल जूगा। ते चैनल जे किसी ने नहीं सबसक्राइब किया सबसक्राइब कर ले। ते इस वीडियो आप फॉर ईच लूप की गल करांगे ते ईजी तरीके थोड़ा समझाया जाऊगा फॉर ईच लूप। सारे नालों पहले तो फॉर लूप जो है इनू आप कर दें कमेंट, ठीक है। ते अपना कमेंट वाला स्टार आप पुठे पासे ला बैठे हैं बट कोई नहीं कर दें आप सैट, कोई गल नहीं, ठीक है। ते लो भी मित्रों हुण आप लिखते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है। सारे ना पहले तो फॉर ईच लिखने वास्ते आपां एक एरे चाहिए। फॉर ईच एरे ते काम करदा तो मैं एक कलर्स नाम का एक लै लैना एरे, ठीक है। एरे मैं ले लिया कलर्स नाम का, ये मैं कलर बनाना रैड रैड ते एक लै लैने आपां ग्रीन ते एक लै लैने आपां ब्लू। बाले आपां लम्मे चौड़े कलर नहीं लेने, अपना एरे बन गया है, ठीक है। तो एरे वगैरह जिमें जिमें अगे आप वीडियोज़ होर बना जाएंगे थोड़ा समझ आती जाऊगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ा है, हुण तुसीं टेंशन ना लो जो थोड़ा नहीं कुछ पता लगता तो जिमें एंड तक तुसीं प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे तो आप दी आप सारा कुछ कर पाओगे, ये मैं थोड़ा गरंटी करदा। तो हुण फॉर ईच लूप का सिंटैक्स हुंदा आपां लिखना पैंदा फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच दे विच हुण जिमें आपां अपने अपने कलर्स है कलर्स लिखता उदू बाद एज तो इत्थे आपां लिख दिंदे आ वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है इतने हम आपको आप करना डॉलर वैल्यू जी आप करनी है एको इतने एक आप दे दें नॉर्मल बी आर टैग ता कि यह अगली लाइन के अपना आए, ठीक है। तो आप लिख बैठे बी आर ए गलती हो गया सी, चलो कोई गल नहीं बई टेंशन ना लो। तो आप देखते हैं अपना जो फॉर ईच लूप हैगा वह काम करता कि नहीं, ठीक है। तो आ लूप तो अपना फॉर वाला चल रहा तो आवे रैड ग्रीन ब्लू अपने को आ गया, यानी कि एक एक कलर वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। हुण जिन्हें भी इतने मान लो ये सारा काम ना एरे ते चलता, इतने आप मान लो एक कलर लै लें येलो, जिन्हें भी कलर आप इतने बधाई जावे सारे इतने प्रिंट हो जाएंगे। रिफ्रैश करते हैं इस तरीके, ठीक है। यदा हो गया आप सिंपल फॉर ईच लूप। हुण एक की वैल्यू पेयर वाला हुंदा, ठीक है। तो वह मैं थोनों सारे नाल पहले तो इनू यार कर दिए कमेंट, ठीक है। कमेंट करके मैं थोनू दसदा आ की हो गया। एक तो यार ना मैं कीबोर्ड नहीं यूज़ कर रहा, मैं सीधा लैपटॉप से वीडियो बना रहा तो दिक्कत मैनू पेश आ रही क्योंकि कीबोर्ड से हाथ टिका हुंदा बंदे का, ठीक है। तो चलो कोई गल नहीं टेंशन ना लो, थोनू चीज़ का पता लगना चाहिए। इतने आप लिखते हैं डॉलर मान लो आप लिखते हैं इतने डेटा, एक आप नवा एरे बनाने हुण, ठीक है। डेटा नाम का आप एक एरे बना लें, ठीक है। ये एरे अपना डिफरेंस होगा, ये थोनू हुण नहीं पता लगना चीज़ा का की वैल्यू पेयर होगा ये, ठीक है। यानी कि एक आप होगा इस नेम नेम अपना होगा इतने आप लिख दें अमरदीप, ठीक है। चल आप इस तरीके ने बना लें कोई सिंपल जमा मैं रखदा, ठीक है। अगला फिर आप बना लें एज, एज अपनी होगी जिमें आप बना लें 26। बड़ा लंबा जोड़ा नहीं बना एक बार इन्ना ही बना के थोड़ा मैं दसदा, है ना। हुण आप फॉर ईच लूप से यह वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, ये सिंपल एरे नहीं है थोड़ा की वैल्यू पेयर वाला। तो इतने आप डॉलर आप डेटा लिख दें जो अपना है डेटा हैगा वेरीएबल एज इतने डॉलर आप लिख दें एक की तो इवें इतने आप लिख दें डॉलर वैल्यू, ठीक है। दैन आप करते हैं ईको ईको दे विच आप करते हैं डॉलर की दे विच आप कनकैटीनेट करके डॉलर वैल्यू एक बार थोड़ा प्रिंट कराने पर बी आर बू आर नहीं इतने एक बार लाने है ना। हम देखो जो रैड ग्रीन ब्लू तो उपरले चो आ रहे हैं,
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਨੇਮ ਅਮਰਦੀਪ ਅਤੇ ਏਜ 26 ਆਪਣੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ BR ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਡੋਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨੇਮ ਅਮਰਦੀਪ ਅਤੇ ਏਜ 26, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਨਕੈਟੀਨੇਸ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਜੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਰਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਐਰੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ, ਫਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਫੋਰ ਈਚ ਲੂਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਰੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਈ ਮੇਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਧਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।